हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अरुण कुमार के एक नए ब्लॉग में। तो अभी हम आए हुए थे भालसुमर और आज है नवरात्रि का छठा दिन। तो अभी हम भालसुमर आए हुए थे, पूजा करके रिटर्न घर जा रहे हैं और इसके बाद पूजा करेंगे अपने गांव के दुर्गा मंदिर पे। आप लोगों को पता होगा कि हमारे गांव में इस बार हो रहा है दुर्गा पूजा और वो भी बहुत ही भव्य तरीके से, और वो भी पहली बार। और इतना ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है ना गाँव वालों का, आसपास के गाँव वालों का, इतना ज़्यादा भीड़ लग रहा है ना कि बोलो मत, बहुत ही एकदम मस्त। और मूर्ति बन के रेडी हो गया है, ये तो मेरे आप पिछले ब्लॉग में देख लोगे, मैंने ब्लॉग बना लिया है, मूर्ति बन के रेडी हो गया है, उसको थान में चढ़ा भी दिया गया है, ये तो आप पिछले ब्लॉग में आप देख ही लोगे। और एक बात दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे फेसबुक पेज में फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो जरूर कर लेना। इसलिए जरूरी है फॉलो करना क्योंकि मैं आपको आरती, पूजा और विसर्जन, ये तीनों चीज लाइव दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इतने मस्त तरीके से हो रहा है ना, पहली बार गांव में हो रहा है और इतना ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है ना, इतना ज्यादा भीड़ लगता है, गांव के लोग और आसपास के जितने भी गांव है वहां के लोग आते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ये सभी चीजें लाइव दिखाना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इसका यदि ब्लॉग बनाऊंगा तो पास में डीजे बजता है और यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए फेसबुक में कॉपीराइट का वैसा कोई फंडा होता नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको वहां लाइव दिखाऊंगा, तो इसीलिए जाके फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों अभी लगभग दोपहर के 12:45 बज रहे हैं और आप लोगों को आरती का आवाज सुनाई देता होगा, अभी हो रहा है आरती मंदिर पे। और अभी अभी हम घर आए थे, भूख लग गया था बहुत ही जोर से, तो नाश्ता करने के लिए आए थे और सुबह से लेके लगभग 10:30-11 बजे तक हम थे, 11 बजे तक हमारा ड्यूटी था मंदिर प्रांगण में। तो वहाँ पे बहुत सारा काम था, प्रसादी काटना, वो सामान लाना, ये सामान लाना, इस तरह। तो गांव में पहली बार हो रहा है तो सबको मिल के सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो हम वहीं पे थे और अभी प्रसाद वितरण होगा तो हम वही प्रसाद लेने जाएंगे। और आपको हम वहाँ दिखा देंगे कि जगराता भी आने वाला है, जिसका टेंट बनना शुरू हो गया है, जो उसका पंडाल बनेगा ना जगराता का, स्टेज बनेगा, तो वो काम शुरू हो गया है। तो चलो अभी जाते हैं आरती लेने, प्रसाद लेने, इसके बाद आपको वो जगह भी दिखा देंगे कि कहाँ पे बन रहा है पंडाल। और जगराता के दिन तो बहुत ही ज्यादा एकदम भीड़ लगेगा। एक बात हमको बता देना चाहते हैं कि जगराता में जो लोग आएंगे ना बाहर से जगराता करने के लिए, तो वो आ रहे हैं शायद बिहार से, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से वो आ रहे हैं, तो काफी मजा आएगा और भीड़ तो बोलो मत, बहुत ही ज्यादा लगेगा। तो मैं लाइव करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, फेसबुक पेज में लाइव करके दिखाऊंगा, तो फॉलो जरूर कर लेना, मैं बार बार बोलता हूँ फेसबुक पेज में फॉलो जरूर कर लेना। मंदिर जाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है पैर हाथ धो के एक बार फ्रेश हो जाना, क्योंकि हम अभी नाश्ता किए थे और नाश्ता करके पैर हाथ नहीं धोए हैं, तो एक बार फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा मुंह सब धो लेते हैं, इसके बाद चलेंगे आरती लेने। ज्यादा भीड़ नहीं है, जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो भाई नहीं बना था, तो दोस्तों हम फिर से आ गए मंदिर और अभी मंदिर में बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पे रखा हुआ प्रसाद, जितने भी लोग आ रहे हैं उसको हम प्रसाद देंगे, यही हमको काम मिला है थोड़ी देर के लिए, फिर घंटे घंटे में काम चेंज होते रहता है। और ये देखो यहाँ पे जो है ना, इस जगह देखो मिस्त्री काम कर रहा है, यहाँ पे जगराता का होगा, स्टेज बन रहा है, और इधर एकदम बहुत ही लंबा फील्ड है जहाँ पे लोग बैठ के जगराता का आनंद लेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में जाएंगे फिर घर, खाना खा के आएंगे। तो दोस्तों कल हम रात में पूरे गांव मिल के एकदम गए थे माँ बेलभरनी को निमंत्रण देने, बेल का गाँच के। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और कल रात को गए थे। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और कल रात को पूरे गांव के लोग गए थे माँ बेलभरनी को निमंत्रण देने, कल रात में लगभग 8:30-9 बजे गए थे बेलगांच निमंत्रण देने, और अभी उनको लाने जाना है। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और कल रात को माँ बेलभरनी को
निमंत्रण देने पूरे गांव के लोग गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, इतना ज्यादा भीड़ हुआ था ना बोलो मत। मैंने वीडियो बनाया है, आगे अभी ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वो वाला क्लिप जरूर देखना, मैं ऐड कर दूंगा इसके बाद कितना ज्यादा भीड़ था। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और कल रात को माँ बेलभरनी को निमंत्रण देने पूरे गांव के लोग गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, इतना ज्यादा भीड़ हुआ था ना बोलो मत। मैंने वीडियो बनाया है, आगे अभी ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वो वाला क्लिप जरूर देखना, मैं ऐड कर दूंगा इसके बाद।